नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ह्यूंडई ग्रैंड आई टेन न्यूस अपने सेगमेंट की एक बेहतरीन गाड़ी है और इंडियन मार्केट में अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है। अगर आप इस गाड़ी का डीजल या पेट्रोल में मैनुअल टॉप एंड वेरियंट लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि आपको दो या तीन सेगमेंट ऊपर टाटा नेक्सॉन की XT वेरिएंट को खरीदना चाहिए। दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में काफ़ी सारा डिफरेंस है और कम प्राइस में आपको टाटा नेक्सॉन की एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी मिलेगी। इन दोनों गाड़ियों में सेफ्टी और इंफोटेनमेंट के अलावा एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंस्ट्रूमेंट पैनल, इन सभी चीज़ों में कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में भी सारे के सारे फीचर लगभग बराबर हैं। उसके अलावा ग्रैंड आई टेन न्यूस में मैं आपको तकरीबन 11 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको टाटा नेक्सॉन की XE वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। वहीं पर टाटा नेक्सॉन की XE वेरिएंट के मैं आपको तकरीबन 16 ऐसे फीचर्स बताऊंगा दोस्तों जिनको सुनने के बाद में आप ग्रैंड आई टेन न्यूस को बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे और टाटा नेक्सॉन को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारी की सारी एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगी। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग को भी कंपेयर करेंगे। वैसे देखा जाए तो ह्यूंडई ग्रैंड आई टेन न्यूस का पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट से 23,000 रुपीज़ महंगा आता है। वहीं पर डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल वेरिएंट आपको टाटा नेक्सॉन से 40,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने की कोशिश मेरी यही है कि लोगों का पैसा बचा सकूं और जो लोग अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे शुड रीप आउट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दियर मनी विथ मॉडर्न एज फीचर रिच अप मार्केट एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। अगर आपके जहन में भी कई सारे सवाल हैं कि क्या हमें टाटा नेक्सॉन खरीदनी चाहिए, टाटा नेक्सॉन एक वैल्यू फॉर मनी का पैकेज है या नहीं, क्या टाटा नेक्सॉन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। ह्यूंडई ग्रैंड आई टेन न्यूस का पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलेगा 7,18,950 रुपीज़। वहीं डीजल में आपको ये गाड़ी मिलेगी 8,04,450 रुपीज़। टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट के पेट्रोल की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 6,95,000 रुपीज़ में, जो कि न्यूस के टॉप एंड वेरिएंट से 23,000 रुपीज़ सस्ता आएगा। डीजल में नेक्सॉन की प्राइसिंग है 8,45,000 रुपीज़, जो न्यूस के टॉप एंड वेरिएंट डीजल से 40,000 रुपये महंगा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। ग्रैंड आई टेन न्यूस में आपको मिलेगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है विथ 114 Nm का टॉर्क। डीजल में आपको मिलेगा 1.2 लीटर BS6 डीजल इंजन विच विल प्रोड्यूस 75 PS पावर विथ 190 Nm का टॉर्क। अब बात करते हैं नेक्सॉन के इंजन्स के बारे में। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 120 PS की पावर विथ 170 Nm का टॉर्क। डीजल की बात करें तो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको मिलेगा विथ 110 PS पावर विथ 260 Nm का टॉर्क। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रैंड आई टेन न्यूस में वो कौन से ऐसे 11 फीचर्स हैं जो आपको टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से जो कि है 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ऑब्वियसली ये ग्रैंड आई टेन न्यूस का टॉप एंड वेरिएंट है, इसके लिए आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि आपको टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। बात करते हैं दूसरे फीचर की दोस्तों जो कि है रूफ रेल्स। जी हाँ, ग्रैंड आई टेन न्यूस में आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएंगी जो टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगी। तीसरा फीचर है दोस्तों लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब जो कि आपको टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है क्योंकि ये ग्रैंड आई टेन का टॉप एंड वेरिएंट है। चौथे फीचर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्रैंड आई टेन न्यूस में आपको मिलेगा 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा अलॉन्ग विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस रिकग्निशन एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। नेक्सॉन के XE वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रैंड आई टेन के पांचवें फीचर के बारे में जो कि है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे जो आपको नेक्सॉन के XE वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर दोस्तों जो कि है छठा फीचर।
और लगभग ये फीचर Hyundai की हर एक गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा, वो है वायरलेस चार्जिंग पैड। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको ग्रैंड आई टेन नियोस में मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन के XE वेरिएंट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द सेवेंथ फीचर, जो है पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से ग्रैंड आई टेन नियोस में आपको ये फीचर मिलता है, लेकिन वहीं पर बेस वेरिएंट होने की वजह से टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आठवें फीचर की बात करते हैं दोस्तों, जो है फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक AC। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन में आपको मैनुअल AC मिल जाएगा, लेकिन आपको फुल्ली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन सिस्टम नहीं मिलेगा। ग्रैंड आई10 का नोवा फीचर है जो नेक्सॉन के XE वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वो है रियर AC वेंट्स। रियर AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो नेक्सॉन के XE वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं दसवें फीचर के बारे में दोस्तों, जो है चारों की चारों पावर विंडोज आपको ग्रैंड आई10 नियोस में मिल जाएंगी, लेकिन टाटा नेक्सॉन के XE वेरिएंट में आपको केवल फ्रंट टू पावर विंडोज ही मिलेंगी। अब बात करते हैं ग्यारहवें और आखिरी फीचर के बारे में, जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा। टाटा नेक्सॉन की XE वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा, हालांकि आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्सॉन के XE वेरिएंट के कुल मिलाकर 16 ऐसे फीचर्स के बारे में, जिनकी वजह से और जिनको सुनने की वजह से आप ग्रैंड आई10 नियोस को बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली प्रेफर बाइंग टाटा नेक्सॉन XE। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो है दोस्तों तकरीबन 2 से 3 सेगमेंट ऊपर की और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एंड कंफर्टेबल बड़ी गाड़ी आपको मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी बेहतर राइड एंड हैंडलिंग, बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर ऑन रोड स्टेबिलिटी, बेहतर सेफ्टी, बेहतर पावर आउटपुट। दूसरा फीचर जो नेक्सॉन की XE वेरिएंट में आपको मिलेगा लेकिन ग्रैंड आई10 नियोस में नहीं मिलेगा, वो है 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ दोस्तों, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड फीचर, जो कि है 350 लीटर का बूट स्पेस आपको नेक्सॉन में मिलता है, जो ग्रैंड आई10 नियोस के बूट स्पेस से कहीं ज़्यादा है। इसमें आपको दोस्तों 100% फ्लैट फोल्ड रियर सीट भी मिल जाएगी, अगर आपको 350 लीटर के बूट स्पेस को बड़ा करना है। अब बात करते हैं चौथे फीचर के बारे में, रियर स्पॉइलर विथ LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जी हाँ दोस्तों, नेक्सॉन में आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन ग्रैंड आई10 नियोस में किसी भी तरीके से आपको रियर स्पॉइलर नहीं मिलता। अब बात करते हैं पांचवें फीचर के बारे में, नाउअडेज टाटा की हर एक गाड़ी में आपको ये फीचर मिलेगा, जो कि है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। ग्रैंड आई10 नियोस में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुड़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो है छठा फीचर, 15 लीटर का यूनिकली डिजाइन मल्टी यूटिलिटी कूल ग्लव बॉक्स अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर, वॉलेट होल्डर एंड क्रेडिट कार्ड और अ विजिटिंग कार्ड होल्डर। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड आई10 नियोस में आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा, लेकिन इस तरीके से यूनिकली डिजाइन स्पेस उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। सातवां फीचर है दोस्तों, जो कि आपको नेक्सॉन के XE वेरिएंट में देखने को मिलेगा, वो है आगे के दोनों दरवाजों में अम्ब्रेला के लिए अम्ब्रेला होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर भी आपको ग्रैंड आई10 नियोस में नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th फीचर, जो कि आज की डेट में लगभग टाटा की हर एक गाड़ी में आपको मिलता है, वो है मल्टी ड्राइव मोड्स, जो कि है इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, जो आपकी ड्राइविंग प्लेजर को एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं नौवे फीचर के बारे में दोस्तों, यहाँ से सारे सेफ्टी फीचर्स शुरू हो जाते हैं, जो आपको किसी भी तरीके से ग्रैंड आई10 नियोस में दूर दूर तक उनका नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात है ब्रेक डिस्क वाइपिंग। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर आपको ग्रैंड आई10 नियोस में नहीं मिलेगा। दसवां फीचर जो नेक्सॉन में मिल जाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन। ग्यारहवें फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन की XE वेरिएंट से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। बारहवां फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको ग्रैंड आई10 नियोस में नहीं मिलेगा, इसका नामो निशान भी आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। तेरहवें फीचर की तरफ मुड़ते हैं, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट आपको नेक्सॉन के XE वेरिएंट से देखने को मिलता है, जो कि ग्रैंड आई10 के टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलेगा। चौदहवा फीचर है दोस्तों हील होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिलता है, जो आपकी सेफ्टी को और 4 चांद लगाता है, जो आपको ग्रैंड आई10 नियोस में नहीं मिलेगा।
अगला फीचर जो कि है 15वां फीचर जो आपको टाटा नेक्सॉन की एक सी वेरिएंट में मिलता है, वो है दोस्तों रोल ओवर मिटिगेशन, जो आपकी सेफ्टी को और ज़्यादा गहरा और मजबूत बनाता है, जो आपको ग्रैंड आई टी न्यूस में नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा की नेक्सॉन भारत की पहली गाड़ी है जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली थी ग्लोबल एनकैप द्वारा, और अब लॉन्च से पहले ही टाटा ने अल्ट्रोस को भी टेस्टिंग के लिए भेजा था और अल्ट्रोस भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि हमारी और हमारे फैमिली की सेफ्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। जितने फीचर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, दोनों ही गाड़ियों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 23,000 रुपीज़ का पेट्रोल टॉप एंड में जो डिफरेंस है, ग्रैंड आई टी न्यूस महंगी आती है 23,000 रुपीज़, अगर उतने ही पैसे आप टाटा नेक्सॉन की एक्स ई वेरियंट में लगाओगे तो आपको म्यूज़िक सिस्टम भी इसमें ऐड ऑन होकर मिल जाएगा, जिसमें आपको कनेक्ट म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, कनेक्ट नेक्स्ट म्यूज़िक सिस्टम बाय हार्मन विथ AM, FM, USB, वॉइस रिकग्निशन, कॉल लॉग, कॉल कॉन्फ्रेंस जैसे अलॉन्ग विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे विथ 4 स्पीकर्स, वो भी हार्मन का सिस्टम दोस्तों। और अगर आप बाकी सारे जो मिसिंग फीचर्स है वो भी इसमें जोड़ना चाहते हैं तो 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ के आप नेक्सॉन का XM वेरिएंट खरीद सकते हैं। चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंपैरिजन मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है, आपके पैसे भी बचाएगा, आपकी गाड़ी की और आपके फैमिली की सेफ्टी को भी बढ़ाएगा, और एट दी एंड आपको ये एक एहसास होगा कि आपने बेहतर मॉडर्न एज फीचर रिच अप मार्केट बेहतरीन प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज खरीदा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी।